हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक SBI यूज़र हैं और आपने SBI का डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, अगर आपका मान लीजिए ATM कार्ड या डेबिट कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आसानी से अगर आप इंडिया के अंदर हैं और आपका डेबिट कार्ड चोरी हो गया तो आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को आसानी से डिसेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि इंडिया में मतलब जो भी पर्सन आपके डेबिट कार्ड के साथ मतलब फ्रॉड करना चाहेगा तो किसी भी कारण फ्रॉड नहीं कर सकता है। अगर ये कार्ड अगर आपका इंटरनेशनल मतलब आप इंडिया से बाहर हैं और वहाँ आपका कार्ड खो जाता है, तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को किस तरीके से डिसेबल करेंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस ट्रिक के बारे में नहीं मालूम, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर इंडिया चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने SBI का डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को खुद से किस तरीके से ऑन करेंगे, खुद से किस तरीके से ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में योनो SBI एप्लीकेशन को जस्ट ओपन करना होगा। जैसे फ्रेंड्स योनो SBI एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि लोडिंग लेने में यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइम ज़्यादा लेता है। उसके बाद आपको यहां पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। तो आपको जस्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहां पे एमपिन और यूजर आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप एमपिन सेट किए होंगे तो अपना एमपिन को एंटर कीजिएगा, अदरवाइज आप लॉगिन वाले यूजर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहां से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप एमपिन एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाएंगे योनो के पोर्टल पर, जैसा कि अभी आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पे नेक्स्ट को सारे परमिशन को अलाउ कर दे रहा हूं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बता रहा हूं क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, आपको जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली कुछ इस तरीके से, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपसे इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा, तो अपना इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड को सही से इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा और आपको सामने चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मैनेज कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्ले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्ले सिलेक्ट, इस पर क्लिक करके अपने कार्ड को सिलेक्ट करना होगा जिस कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको मैनेज यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ कि आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को खुद तरीके से किस तरीके से ऑन करेंगे ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, देखिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। बाय डिफॉल्ट डोमेस्टिक ऑन रहता है। अगर आप इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको चाहिए मतलब इसी डेबिट कार्ड से मैं वहाँ भी ट्रांजेक्शन कर पाऊँ, तो आपको इस वाला ऑप्शन को सिंपल सा ऑन कर देना है। अगर आपको चाहिए कि इंडिया से मैं बाहर जा रहा हूँ तो इंडिया का ट्रांजेक्शन को ऑफ कर दूँ, तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। और इसको ऑन कर लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नीचे भी जो ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बट उससे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज लिमिट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की लिमिट भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, जो है वही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके सिंबल आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो खुद से आप इनेबल कर पाओगे। अब इसके लिए आपको कहीं ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो आप खुद से उसको ऑफ भी कर सकते हो, खुद से ऑन भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी कमाल लगा SBI की तरफ से, आप खुद से ये सारा कुछ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।